Hello friends, welcome to my channel Management Lessons. Today we are going to discuss upon Models of Consumer Behavior Part 3. Previous session में हमने 5 various models को analyze किया था, discuss किया था. You can go through with the description box. मैं link उसमें डाल दूंगी. And in this session we are going to discuss upon Howard Schacht Model. MBA, BBA, UGC, NET, JRF के students सबके लिए ये session बहुत important है. Please go through and let's proceed. Definition of Howard Schacht model. Howard Schacht model क्या कहता है आपको? This is what an approach for analyzing combined impact of social, psychological and marketing factors on buying behavior and the preferences of consumers. Okay? Howard Schacht model ये explain करता है कि क्या combined effect होता है consumer के decision making में for while considering social, psychological and marketing factors, right? Socially कैसे एक consumer influence हो रहा है decision को लेकर, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को बाय कर रहा है एंड मार्केटिंग फैक्टर्स जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स, इन सब को कंबाइन करके कंज्यूमर का बिहेवियर को जज करता है ये हॉवर्ड शैट मॉडल. ये मॉडल किसने दिया था? जॉन हॉवर्ड एंड जगदीश शैट ने इंट्रोड्यूस किया था 1969 में. कई बार ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जेआरएफ नेट के एग्जाम में. 1969 में हॉवर्ड शैट ने मॉडल दिया था, कंटेम्पररी मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, तो ये मॉडल क्या करता है? लेवल्स ऑफ हॉवर्ड शैट मॉडल. सी, देयर आर 3 लेवल्स ऑन व्हिच अ कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी एनालाइज. फर्स्ट आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, ये मॉडल 3 लेवल को एनालाइज करता है, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर. ओके, दीज आर द 3 पर्टिकुलर लेवल्स ऑन व्हिच वी कैन एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल स्टेप्स एंड अंडरस्टैंड द मॉडल. तो वीडियो को पूरा देखिएगा. ओके, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? बायर हैज नो प्रायर नॉलेज. जब बायर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदने जाता है, जब उनको कोई भी परचेजिंग करनी है, देन व्हाट द बायर डू इज उसको कोई भी पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट उसको खरीदना है, राइट? या उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम इफ अ बायर, इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू परचेज अ कार, 4-व्हीलर. ओके, लेकिन उसको पहली बार वो अपनी फैमिली के लिए कार परचेज कर रहा है, ही इज नॉट हैविंग नॉलेज. सेकेंड, नो प्रेफरेंस अबाउट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट. कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती है उसकी. कंज्यूमर इज द इंफॉर्मेशन सीकर. जैसे उसको मारुति सुजुकी खरीदनी है, हुंडई की गाड़ी खरीदनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, व्हाट सो एवर, ही इज परचेजिंग फर्स्ट कार इन हिज लाइफ टाइम. फर्स्टली ही इज इनिशिएटिंग टू बाय अ 4-व्हीलर, तो वो एक इंफॉर्मेशन सीकर होगा. ही एक्सप्लोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड व्हिच इज देयर इन द मार्केट. अपने बजट के हिसाब से क्या क्या अवेलेबल है. Now the thing is limited problem solving approach. Limited problem solving approach type का जो customer होता है वो क्या करता है? In this type of a customer, buyer has inadequate, incomplete information. Information तो होती है buyer के पास, but वो incomplete होती है. Like थोड़ी बहुत उसने कहीं से सुना होगा या advertisement में देखा होगा कि ये वाली car हमने suit कर रही है, इसका model अच्छा है, but internally he is not having much knowledge. But बिल्कुल blank भी नहीं होता, उसको थोड़ी बहुत information होती है. Sometimes the buyer is confused among the various alternatives. Natives, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला चाहिए, सेल्स पर्सन, दोज हु कैन इन्फ्लुएंस द पर्सन एंड कन्वर्ट द डिजायर इनटू द परचेज डिसीजन. डिजायर को वो परचेज डिसीजन में कैसे कन्वर्ट करेगा. थर्ड टाइप ऑफ बायर हियर इज रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर. तीसरा टाइप का बिहेवियर हम पढ़ते हैं, रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर. ये बिहेवियर क्या होता है? बायर इंटायरली अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. अब जैसे किसी पर्सन के घर में पहले से ही 3 कार्स अवेलेबल है, वो अपनी चौथी कार बाय करना चाह रहा है, राइट? सो ही इज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ मारुति, इज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ हुंडई, इज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ अनदर वन, बट नाउ ही वॉन्ट टू एक्सप्लोर द अदर ऑप्शन. उसके पहले ही माइंड सेट है, उसको एक्सपीरियंस है कैसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ each product, he is having the experience. Next, buyer decides in advance which product is to be purchased. जैसे वो खुद ही डिमांड करेगा कि भाई मुझे ये वाली चीज चाहिए, या मुझे मारुति की ही कार चाहिए, बलेनो चाहिए, मेरा इतना बजट है, ये मेरे को कलर चाहिए. सो ही देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इन द फीचर द डिटेल. आई मीन बायर हैज ऑलरेडी डन हिज होमवर्क एट होम. वो पूरा घर के आया है, एंटायर नॉलेज अपने माइंडसेट में लेकर आया है और वो वही परचेज करेगा. अगर आपके पास है तो आप उस डील को क्लोज कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट. ओके, सो देयर आर दीज 3 लेवल्स जो हॉवर्ड शैट मॉडल एनालाइज करता है.
हावर शेप मॉडल का जो ये पूरा आपका चार्ट आप देख रहे हैं, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सी लेफ्ट साइड आप देख रहे हो इनपुट स्टिमुलाई डिस्प्ले और राइट साइड है आपका आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें क्या हो रहा है देखो, चार्ट्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट थिंग इज व्हाट सिग्निफिकेंस। ये तीन लेवल है इनपुट के आपके, राइट लेफ्ट साइड जो है क्वालिटी प्राइस डिस्टिंग्विशनेस सर्विस अवेलेबिलिटी। इसमें आप जो एक्सटेंसिव फीचर्स हैं जो आप टेंजिबल है आप देख सकते हो, वो इनपुट आप क्या डाल रहे हो अपने प्रोडक्ट में, ठीक है, और सोशली कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है कस्टमर डिसीजन को लेकर। ओके, सो दीज आर द इनपुट्स जो कि एक कंज्यूमर पहले ही अपने माइंडसेट लेकर आ रहा है, या उसको मार्केट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, या वो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट फीचर्स को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। एंड आउटपुट में क्या होता है, परचेज डिसीजन होता है, एटीट्यूड ब्रांड कंपेयर करते हैं और अटेंशन सीकर होता है उस प्रोडक्ट को लेकर। अब बीच में जो आप देख रहे हो सेंट्रलाइज, वो क्या है आपका कॉन्फिडेंस एटीट्यूड इंटेंशन, किस तरीके से आप किसी डील को क्लोज कर रहे हो। तो ये सारा चार्ट हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इनपुट वेरिएबल्स होते हैं हावर्ड शेप मॉडल में, परपेचुअल कंस्ट्रक्ट, हाइपोथेटिकल लर्निंग आउटपुट एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल। ये छह प्रकार के वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिनेशन। सी इसके एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जामिनेशन में, या आपको व्हाट आर द वेरिएबल्स अवेलेबल इन द हावर्ड शेप मॉडल। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज एक मिनट पॉज करके लाइक कर दीजिए। ओके, इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट स्टिमुलाई, सिंबॉलिक स्टिमुलाई एंड सोशल स्टिमुलाई। ओके, सिग्निफिकेंट स्टिमुलाई क्या होता है इनपुट वेरिएबल में, जो सिग्निफिकेंटली हमको दिख रहा है, राइट, आई एम लुकिंग ऑन द कार ऑफ मारुति और बलेनो, तो मुझे उसमें विजिबल है क्या क्वालिटी है, क्या उसका कैमरा है, क्या उसका इंजन है, और वो डीजल कार है, पेट्रोल कार है, क्या है। सो कंप्लीटली आई एम अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिंबॉलिक स्टिमुलाई क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को देखकर वो इन्फ्लुएंस हुआ। फॉर एग्जांपल टीवी में आपने सचिन तेंदुलकर देखा, स्पोर्ट पर्सन को देखा जो वो कार चला रहा है, तो आपको भी उससे इन्फ्लुएंस हो कि मुझे भी यही वाली कार खरीदनी है। सो दिस इज द सिंबॉलिक स्टिमुलाई। एंड सोशल स्टिमुलाई इज व्हाट, इन्फॉर्मेशन फॉर द बायर्स, इट इंक्लूड्स फैमिली एंड सोशल क्लास। वही ऑब्वियसली उसके पीयर ग्रुप में किसी ने फ्रेंड सर्कल में खरीदी है, पहले फैमिली में एक्सपीरियंस है कि ये कार ही अच्छी, इसका सर्विस अच्छा है, तो देन ही इज इन्फ्लुएंस्ड एंड टेकिंग द डिसीजन बाय पीयर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस या ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर वो डिसीजन ले रहा है। तो ये तो आपके इनपुट वेरिएबल होंगे हावर्ड शेप मॉडल के। नाउ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, हाइपोथेटिकली जो अजम्पशन प्री माइंडसेट लेकर आता है कस्टमर, उसको कहते हैं हम हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। वो फिजिकली कुछ नहीं देख रहा है, वो सोशल इन्फ्लुएंस में नहीं है, बस कुछ हाइपोथेटिक साइकोलॉजी है उसके माइंड में जिससे वो डिसीजन ले रहा है। तो ये दो टाइप के होते हैं, परपेचुअल कंस्ट्रक्ट और आपका आता है आपका नेक्स्ट लर्निंग कंस्ट्रक्ट। तो उसमें पहला है सेंसिटिविटी, परपेचुअल बायर एंड सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। परपेचुअल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है आपके कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, हाउ सेंसिटिव ही इज कि मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ब्लैक कार ही चाहिए या मुझे ग्रे ही चाहिए, या मैंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा मुझे ग्रे कलर लकी लगता है तो मुझे वही लेनी है। तो दिस इज अ सेंसिटिव डिसीजन द कंज्यूमर इज टेकिंग। परपेचुअल बायर जो पहले माइंडसेट लेकर आपके पास अपनी डील को क्लोज करने के लिए आता है, इज कॉल्ड परपेचुअल बायर। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन वो एक्सप्लोर करता है। लर्निंग कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, मोटिव ब्रांड एटीट्यूड इंटेंशन एंड दी कॉन्फिडेंस। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसको अपना लिए कोई गाड़ी खरीदनी है, ऑब्वियसली ही इज एसोसिएटेड विद ब्रांड। अगर कोई पर्सन अपने इनकम या अपने फैमिली मेंबर्स को देकर इन्फ्लुएंस होते हैं और अपना किसी भी प्रोडक्ट को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं तो वो लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स में आता है, राइट। मोटिव क्या है उसका परचेजिंग के पीछे, हो सकता है उसको 11 लोगों को, उसकी फैमिली में 11 जने हैं, उसको 11 सीटर चाहिए, 10 सीटर चाहिए, उसको 2, 3, 4, 5 सीटर से कोई मतलब नहीं है किसी भी कार के लिए, राइट। सो लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उसको उसकी नीड क्या है बेसिकली। 15 जनों के लिए उसको कार चाहिए तो ऑब्वियसली वो बड़ी सर्च करेगा, उसको ग्रे कलर की चाहिए तो वो सेंसिटिवली एनालाइज डिसीजन लेगा। इंटेंशन उसको केवल लोकलाइज काम रहता है तो उसको जरूरी नहीं है कि बड़े टायर वाली लंबी या डीजल कार चाहिए, उसको पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए। तो दिस इज व्हाट लर्निंग कंस्ट्रक्ट थ्रू व्हिच अ कंज्यूमर कैन टेक द डिसीजंस। ओके, एंड दी सेटिस्फेक्शन लीड्स विद द ऑल टू टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स। ओके, नाउ आउटपुट वेरिएबल जो हमने पहले चार्ट में पढ़ा था उसमें आउटपुट वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है। एक्सोजीनियस वेरिएबल होते हैं आपके जो कि आउटपुट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आउटपुट वेरिएबल दो टाइप से कोई भी कंज्यूमर आपका क्लोज होगा, डील क्लोज होगी प्रोडक्ट की। पहली चीज एक्सोजीनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें आपका जो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स है विच इज लेस। ओके, एक्सोजीनियस वेरिएबल में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज, पर्सनैलिटी वेरिएबल्स,
टाइम प्रेशर एंड सोशल क्लास। टाइम प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई कार का ऑर्डर देना है, आपके पास वो अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, 10 डेज के बाद आएगी, बट पर्सन को गणेश चतुर्थी के दिन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डे है, बर्थडे गिफ्ट है, तो उसी दिन डिलीवरी चाहिए। तो दिस इज वॉट एक्सोजीनियस वेरिएबल्स विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट अ डील। परपेचुअल पूरा एनालाइज हो गया, इनपुट आप उसको समझ में आ गया, प्रोडक्ट फीचर, सिम्बॉलिक फीचर, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, उसको वो क्लियर हो गई डील। बट एक्सोजीनियस वेरिएबल ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू क्लोज द डील। एटलीस्ट परचेज डिसीजन के टाइम आउटपुट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें पर्सनैलिटी भी हो सकती है, सोशल क्लास ऑर्गेनाइज हो सकता है, सोशल क्लास का सिंबल है कि भाई उसी दिन कोई कोई आई मीन सोशल इवेंट है जिसलिए उसको डिलीवरी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज उस दिन के लिए उसकी क्या है, इसीलिए गिफ्ट है बर्थडे का या एनिवर्सरी है, वट एवर इज द रीजन, या उसके इनोग्रेशन है नई कंपनी में वो कार परचेज करना चाह रहे कस्टमर। एंड ऑर्गेनाइजेशनल आस्पेक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑफर दिया है, कोई कूपन कोड है, तभी उसको उसी दिन डील परचेज करना है। फाइनेंशियल स्टेटस ऑलरेडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, राइट। सब चीजें समझ में आ गई, प्रोडक्ट के सिंबॉलिक भी सही है, सोशल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन उसका बजट ही 5 लाख का, तो वो 11 लाख की गाड़ी कैसे लेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल स्टेटस आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्लेज टू टेक द डील क्लोज्ड। ओके, नाउ आउटपुट वेरिएबल डिपेंड करता है अटेंशन कस्टमर का, ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन कि आपको उसको दूसरी हुंडई की गाड़ियां भी पसंद है पर वो मारुति पर ही ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो मारुति की कार परचेस करेगा इवन दो उसके पेयर ग्रुप में चाहे हुंडई की कार हो, राइट। सिमिलरली एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर वो पर्सन ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता है जो उसका सिम्बॉलिक स्टेटस सिंबल है, लग्जरी है, देन एटीट्यूड एंड इंटेंशन टू परचेज लाइक दीज आर दी वेरिएबल्स विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस इज ऑल अबाउट Howard shared model which helps to judge the consumer behavior, input variable, output variable, perpetual construct, जिसमें hypothetical हमने सारे analyze किया है diagrammatically. So hope आपको ये video समझ में आया होगा, like और subscribe जरूर कीजिएगा। Miracles in business can happen if management apply, right? Management को apply कीजिए अपने business में और success को achieve कीजिए। जिसने मेरे पहले के video नहीं देखे हैं, link description में मिल जाएगा आपको, so please go through with that video. Thank you so much.